खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में कुल 23,038 मामले सामने आए हैं। 1448 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 15,883 लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। हमारे सहयोगी हरीश झाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, जानकारी दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, क्या आपको गुजरात में ऐसा दिख रहा है कि वापस से लॉकडाउन हो या फिर सख्ती दिखाई जाए? विजेंद्र जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं अपने दर्शकों को कि गुजरात सरकार, खास करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ये विश्वसनीय तरीके से मानते हैं कि किसी भी हालत में लॉकडाउन वापिस लागू नहीं किया जाएगा। उनका ये कहना है, मानना है कि हम गुजरातियों को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, लेकिन ये स्थिति जमीन पर नहीं है। जमीन पर हर अधिकारी, जिसको भारत के बंधारण ने अधिकार दिया है, वो अपने अधिकार का उपयोग करके जरूरत के हिसाब से काम करता है। जैसे कि अगर वडोदरा जिले की बात करें तो वहां एक पात्रा तालुका है, सिर्फ 10 दिन में वहां संक्रमित की संख्या बढ़ने पर वहां के जिला प्रशासन ने स्थानिक लोगों के साथ परामर्श करके शनिवार से लेकर बुधवार तक लॉकडाउन लोकल लेवल पे उन्होंने अमल में रखा है। कल सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर बच्चा निधि पानी ने भी सूरतियों को ये आगाह किया है कि अगर आप अनलॉक वन में कोरोना के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और जहां भी जाए वहां सैनिटाइजेशन होना जरूरी है, थर्मल स्कैनिंग होना जरूरी है, अगर ये नहीं हुआ और संक्रमित की संख्या बढ़ी तो मुझे वापिस कंटेनमेंट जोन का उपयोग करना पड़ेगा और वापिस आपके इलाके में जहां भी ये संक्रमित संख्या बढ़ती है वहां मुझे लॉकडाउन अमल करना पड़ेगा। जी, राजकीय गणित कुछ और हो सकता है, पर हर अधिकारी की अपनी कुछ जिम्मेवारियां है। कुछ अधिकारी है जो समझते हैं कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो लॉकडाउन फिर से लागू करना जरूरी है। ये दो जगह से हमें इसका इशारा मिल रहा है। जहां तक अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर फिर भी यहाँ अब लॉकडाउन की कोई बात नहीं हो रही है। जी बिल्कुल नरेश जी, इस दौरान ये भी बताइए, क्योंकि 16 या 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी तमाम मुख्यमंत्रियों की बातचीत होगी, आपको क्या लग रहा है गुजरात को किस तरीके के निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो राज्य उनके काफी करीब है, या फिर गुजरात की तरफ से कौन सी मांगे केंद्र से उठाई जा सकती है? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि संघ हो या भाजपा, ये मानता है कि गुजरात उनका लेबोरेटरी है, तो हर कोई नई चीज और सबसे पहले गुजरात में ट्राई करते हैं। तो अगर हम पूरे ये लॉकडाउन से लेके अभी तक की अगर पूरी क्रोनोलॉजी देखें तो उसमें गुजरात ने सबसे पहले अनलॉक शुरू किया था 20 मई से। तो ये बताता है कि गुजरात सरकार पूरे देश को ये बताना चाहती है कि भाई हम लॉकडाउन से इसको अगर नहीं रोक पाए हैं तो अनलॉक करके हम हर्ड इम्यूनिटी से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अगर अर्थव्यवस्था चली तो लोग जिंदा भी रह सकते, अगर अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई या खत्म हो गई तो कोरोना से भी संक्रमित होंगे, साथ में आर्थिक रूप से भी लोग पायमाल होंगे। तो ये साबित करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए ये अनलॉक जरूरी है, और शायद इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री गुजरात को कोई नया दिशा निर्देश न दे, पर अनलॉक पर यहाँ कैसे सक्सेस हुआ इसका एग्जांपल और मुख्यमंत्री को दे सकते हैं। जी बिल्कुल हरीश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।